नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कोरोना की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गुरुवार को भी कोहराम। सेंसेक्स 1800 अंक गिरा, निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट। अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई, डाउन जोन्स में 5.90% की गिरावट। कांग्रेस को अलविदा और भाजपा में शामिल होने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे महाराज। भाजपा ने की रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, एयरपोर्ट से रैली के रूप में पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम हैक्स और उनकी पत्नी रीटा विल्सन भी कोरोना वायरस से संक्रमित। ट्वीट कर कहा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ही उन्हें बुखार हो गया था कोरोना वायरस के कारण, अब उन्हें अलग किया जाएगा, साथ ही उन पर निगरानी भी रखी जाएगी। दुनिया भर में फैले खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस की स्थिति और आईपीएल 2020 पर विचार करने के लिए 14 मार्च को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक, इसमें आईपीएल 2020 को रद्द या स्थगित करने संबंधी फैसला भी किया जा सकता है। भारत ने सभी मौजूदा वीजा 15 अप्रैल तक रद्द करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया। 13 मार्च शाम 5:30 बजे से 15 अप्रैल तक सभी मौजूदा वीजा रद्द। एयर इंडिया ने कहा कि वह रोम, मिलान और सियोल के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि रोम के लिए सेवाएं 15 से 25 मार्च तक बंद रहेगी, वहीं मिलान और दक्षिण कोरिया की राजधानी के लिए उड़ानें 14 से 28 मार्च तक निलंबित रहेगी। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस में बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा नाराज, कुमारी शैलजा के नाम पर जताया एतराज। कुमारी शैलजा की जगह दीपेंद्र हुड्डा को भेजना चाहते हैं राज्यसभा। हरियाणा में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होना है चुनाव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकियों में कुख्यात आतंकवादी कमांडर बशीर पीर उर्फ इम्तियाज आलम भी शामिल। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक नियमित पैराग्लाइडिंग अभ्यास के दौरान पैराशूट हुआ खराब। पेड़ पर गिरा भारतीय सेना का जवान। सेना के वरिष्ठ अधिकारी और दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और जवान को बचा लिया गया। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जनता को डरा रही है और लोगों पर प्रतिबंध लगा रही है, इससे लोगों में बढ़ रही है घबराहट। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।